हेलो फ्रेंड्स मैं सिंडी मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डी आई वाई बाई में और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए बिल्कुल ही नए डिज़ाइन का डोर मैट टेबल मैट पूजा आसन जिस रूप में चाहो उस रूप में आप इसे यूज कर सकते हो और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा तो यहाँ पे मैंने इसको बनाया है अभी कुछ ये हमारा आधा बन चुका है ये टोटल छः कलियों में बनेगा तो यहाँ पे मैंने चार कली बना ली है और दो कली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाना है तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगी कि इसे हमने कैसे बनाया है इतना है ना और आप इसे पुराने साड़ियों और चुनियों से भी बना सकते हो उससे भी बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद तो चलिए मैं इसे बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है और ये देखिए बिल्कुल गोल सेप नहीं आता ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का है काफ़ी प्यारा लगता है बनने पर ये देखिए यहाँ से सीधा है फिर हल्का सा उठा है फिर ऐसे तो बहुत ही अच्छी से इसकी डिज़ाइन और सेप भी बहुत अच्छा है तो इसे स्टार्ट हमने यहाँ से किया है यहाँ ये जो हमारा ब्लैक वाला ऊन लगा है ना यहाँ से हमने इसको बनाया है तो मैं आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बताऊंगी जैसे कि फंदे डाल के हम बनाते हैं ठीक है तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कैसे बनाना है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सिलाई में जो है हमने फंदे वगैरह डाल लिए हैं ठीक है तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगी जैसे यहाँ से बनाए थे हम तो बस आप भी अपने सिलाई में जो है बत्तीस फंदे डाल लीजिए यहाँ पे मैं इसको बत्तीस फंदे से बना रही हूँ तो यहाँ पे आप कितने भी फंदे ले सकते हो है ना टू के मल्टीपल फंदे या चाहे जितना भी डाल सकते हो तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये वाला जो कलर हमने बीच में ब्लैक ब्लैक लगाया है तो आप जो भी कलर लगाओगे उसी से फंदे भी आपको डालने होंगे ठीक है तो इसको बनाने के लिए तीन कलर आपको लेना ही होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से जैसे ये स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ पे हमने फंदे डाल के स्टार्ट किया है तो आप भी अपने सिलाई में जो है बत्तीस फंदे डाल लीजिए बत्तीस फंदे डालने के बाद यहाँ पे आपको उल्टा उल्टा चार रो बनना होगा ठीक है जैसे कि चार रो मीन्स ये दो बननी चाहिए लाइन ठीक है जब हम चार सिलाई बनाएंगे तो ये दो लाइन हमारी बनके कंप्लीट हो जाएगी ये और ये ठीक है तो एक तो आप जब स्टार्टिंग में फंदे डालोगे तो फंदे से ही हो गया एक लाइन उसके बाद आपको दो सिलाई और भी बनानी होगी ठीक है तो चलिए देखिए कैसे करना है यहाँ पे समझ लीजिए मैंने फंदे डालिए सिलाई में और यहाँ से जो जैसे है उल्टा उल्टा हमें पूरा बुनना है यहाँ से जो भी फंदे रहेंगे आपके पूरे आपको उल्टे उल्टे बनाने होंगे तो यहाँ से पूरा हम उल्टा उल्टा बना लेंगे तो यहाँ पर हमने बत्तीस फंदे जो है डाल रखे हैं सिलाई में आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से जितना भी फंदा डालोगे उस हिसाब से आप डाल सकते हो तो यहाँ से हम ये बत्तीस फंदे जो हैं पूरे हम बना लेंगे उल्टे उल्टे तो अगर आप फंदे डालोगे तो एक रो तो आपके फंदे में ही कंप्लीट हो गई ठीक है उसके बाद आपको तीन सिलाई बनानी होगी जैसे कि मान लो मैंने फंदा डाला ठीक है उसके बाद आप ये ये वाली सिलाई जो है इसको मैं बना रही हूँ तो यहाँ से जो जैसे रहेगा उसको हम वैसे ही बना लेंगे और अभी कोई चेंज नहीं करना है हमें और इस उनको हम पीछे करके इधर से उतार लेंगे ब्लैक वाले को ठीक है हर बार हम नहीं बनाएंगे वरना होल बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर इधर साइड से हम इसको बना लेते हैं ठीक है तो ये देखिए तो चलिए इसको मैं पूरा यहाँ ऊपर तक बना लेती हूँ उल्टा उल्टा ही बनाना है सीधी साइड से भी पूरा यहाँ तक ठीक है बना लेती हूँ तो हमने यहाँ तक तो बना लिया और ये वाला जो लास्ट हुआ इधर का फंदा है उसको हम सीधा बनाएंगे ठीक है इधर से हम इसको सीधा बनाएंगे हर बार तो ऐसे सीधा बनाने से ये चैन आ जाएगी ठीक है तो यहाँ से ये यह देखिए फ्रेंड्स हम आपको समझा दूँ ये यह देखिए यहाँ से हमारी जो ब्लैक है इसकी भी दो रो बन गई ये देखिए एक दो है ना दो रो बन गए यहाँ पे तो अब देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ से कि अब हम ये येलो वाला जो ऊन हमारा लगा हुआ है आपका लगा नहीं रहेगा आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा ठीक है तो अब यहाँ से जो है पूरी एक सिलाई हमें अब पूरी इस कलर से बुननी है येलो कलर से जो हमें बत्तीस फंदे हैं पूरे बत्तीस फंदे हमें इसी येलो कलर से उल्टा उल्टा बुनना है आ, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी इसे हमें पूरा बुनना है तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग और बहुत ही ईजी है तो देखिए यहाँ से पूरा हमें लास्ट तक जो है येलो से ही बनाना है मतलब ब्लैक को पूरा येलो कर देना है आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लेकर के बना सकते हो इसको यहाँ पे मैंने ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन रखा है और ब्लैक और यहाँ लास्ट वाला फंदा है इसको भी हम बना देंगे तो ये देखिए इधर से सारे फंदे जो हैं हमारे बन गए ठीक है ये देखिए सारे फंदे बन गए अब इधर साइड से भी हम पूरा उल्टा उल्टा सीधी साइड से पूरा उल्टा बनाएंगे ये वाला फंदा जो इधर से उतार लेंगे इसको नहीं बनाएंगे और बाकी इधर से सारे फंदों को बना लेंगे इधर से सारे फंदे जो हमारे हैं इनको हम पूरा यहाँ तक बना लेंगे उल्टा उल्टा ठीक है चलिए बना लेते हैं तो ये देखिए हमने यहाँ तक बनाया और इसको उनको पीछे करते हुए ये वाला फंदा जो है इसको हम सीधा बना लेंगे ठीक है इधर से अब हम आ गए इस साइड तो यहाँ पे ये देखिए हमारी एक रो जो है कंप्लीट हो गई तो ऐसे करके मैं दो रो कंप्लीट करनी ये देखिए एक और दो है ना दो दो रो में ये कंप्लीट होगा तो हमें दो रो करना यानी चार सिलाई में हमारी दो रो जो है वो कंप्लीट होंगी तो अब ये देखिए हमारी ये तीसरी सिलाई है तो यहाँ से फिर हम जो जैसे है वैसे ही बनाएंगे ये देखिए कितने हुए एक दो तीन फंदे बिने चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस ये देखिए यहाँ पे हमने तीस फंदे बना लिए और दो फंदे जो है ये देखिए बिना बुने इसको हम छोड़ देंगे ठीक है और यहीं से हम हो जाएंगे वापस और यहाँ से फिर जो जैसे है उसको हम वैसे ही बना लेंगे पूरा सीधी साइड से कुछ नहीं करना है आपको जो जैसे है वैसे ही बनाना है ठीक है तो चलिए इसको हम पूरा ऊपर तक बना लेते हैं यहाँ तक तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने पूरा बना लिया सीधी साइड से भी और अब देखिए हमारे यहाँ पे एक दो रो भी ये कंप्लीट हो गई हमारी है ना यहाँ से तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो येलो कलर है यहाँ पे हो गया अब यहाँ से हमें जो है अपना ग्रीन कलर यहाँ पे अटैच करना है ठीक है तो हमारा ग्रीन कलर पहले से लगा हुआ है तो यहाँ से ये देखिए अब ये जो हमारा है यहाँ से ये देखिए अब जितने भी येलो कलर है ना सबको हमें ग्रीन से बना लेना है तो इसमें बहुत ही आसान है जब आपके दो रो कम्प्लीट हो जाए तो आप दूसरे कलर को लगा लीजिए बारी बारी से ये हमें ऐसे ही करते जाना अब यहाँ पर सारे फंदे जो है ना उनको हमें ग्रीन से बनाना है ठीक है यहाँ पे जो फंदे हैं हमने दो फंदे छोड़े थे तीस फंदे हमने बनाए थे है ना तो ये देखिए अब हमें यहाँ ये देखिए ग्रीन लगा लिया ना तो अभी ऐसे बनेगा तो चलिए यहाँ पे जो पूरे फंदे हैं इनको हम ग्रीन से बनाते हैं ये देखिए यहाँ पे हमने बना लिया और दो फंदे हमने इस बार फिर से छोड़ दिए ठीक है।, है तो हमारे यहाँ पे टोटल चार फंदे जो हैं येलो वाले छूट चुके हैं और यहाँ से हमारे जो ग्रीन है उसको हम यहाँ से ऐसे वापस हो जाएंगे ठीक है ये देखिए अब येल्लो फंदे छूट चुके हैं हमारे और यहाँ पर ग्रीन फंदे लगे हुए हैं तो यहाँ से आपको बस कलर को दो दो रो बनाने के बाद आपको कलर को चेंज करना है और लास्ट में जो है दो दो फंदे हमेशा आपको छोड़ना है हर बार आपको दो दो फंदे छोड़ने ही हैं ठीक है यहां से हमें जो जैसे है उसको हम वैसे ही बना लेंगे सीधी साइड से जो जैसे रहेगा वैसे ही बनाना है कुछ भी नहीं करना है चेंज से लास्ट ऑल फंदा इसको हम सीधा बना लेंगे ठीक है सीधा बनाने से चैन आएगी और देखिए अब क्या करना है अभी एक रो हमारी बनी है ठीक है यानी हमने दो सिलाई बनाया और ये देखिए एक रो हमारी कंप्लीट है अब यहाँ से फिर से हम ग्रीन से ये भी हमें बनाना है टोटल चार सिलाई बनानी है हमें दो रो कंप्लीट होनी चाहिए तो यहाँ से फिर से हम ग्रीन से बनाएंगे और लास्ट के जो है दो फंदे फिर से छोड़ देंगे तो यहाँ पे बना लीजिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो बनाइएगा आप बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद ये डिज़ाइन और इसे ना जो बिगनर्स है वो भी आराम से बना सकते हैं इतना आसान है ये कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे बस दो दो फंदे आपको छोड़ते जाना है और कुछ नहीं करना और चार होने के बाद चार सिलाई बनाने के बाद आपको कलर चेंज करना ये देखिए अब हमने यहाँ पे दो फंदे फिर से छोड़ दिए ग्रीन के और फिर से बन जाएंगे वापस ठीक है और यहाँ पर ये देखिए हमारी जो चौथी सिलाई है ग्रीन की और यहाँ पे दो रो हमारी ये जो है कंप्लीट भी हो रही है तो इधर साइड से कुछ नहीं करना जो जैसे है उसको हम वैसे ही यहाँ तक पूरा ऊपर तक बना लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये यह जो ग्रीन का है ये भी कंप्लीट हो गया दो रो बन चुका है तो अब हम फिर से कलर को चेंज करेंगे और फिर से हम लगाएंगे येलो कलर तो ये देखिए हमारा येलो कलर जो है वो लगा हुआ ही है तो यहाँ से जो ग्रीन है उसको हम यहीं पर रखेंगे और येलो कलर को यहीं से लगा लेंगे ठीक है आपको धागा को यहाँ पर कट नहीं करना है जो जैसे लगा है वैसे ही लगा रहेगा ठीक है और ब्लैक कलर को बीच बीच में आपको फंसाते हुए चलते आना है और यहाँ पे अब देखिए अब हम येलो कलर से बनाएंगे अब जितने फंदे हैं सभी को हम येलो से बनाएंगे और फिर से दो फंदे जो है छोड़ते रहेंगे तो दो दो फंदे पूरे छोड़ने हैं जब तक कि हमारे सारे फंदे नहीं छूट जाते ठीक है तब तक हमें दो दो फंदे यहाँ पे छोड़ते रहना है तो ये देखिए तो ये देखिए हमने फिर पे यहाँ से जो है दो फंदे ये ग्रीन वाले छोड़ दिए और यहाँ से हम फिर से हो जाएंगे वापस ठीक है और ये देखिए यहाँ से जो जैसे है वैसे ही बना लेंगे तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है ऐसे करते हुए आपको पूरे फंदे जो है यहाँ पे छोड़ देना लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे जब सारे फंदे छूट जाएंगे ठीक है और दो दो करके ऐसे ही दो दो रो बनाते हुए कलर को चेंज करते जाना है और यहाँ से दो दो फंदे छोड़ते जाना है ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स मैं ये पूरा बना लेती हूँ और हमारे पास जब लास्ट में चार फंदे रह जाएंगे यहाँ पे और यहाँ तक मैं फंदे को छोड़ लेती हूँ चार फंदे जब रहेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है तब तक आप भी इतना बना लीजिए फंदों को छोड़ लीजिए और ऐसे ही आपको चेंज करते हुए चलना है दो दो रो कम्प्लीट होने के बाद कलर को अपने चेंज करना है तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ चार फंदे रहेंगे तो दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट हो गया ठीक है ये देखिए और अभी हमारे पास जो है ये ग्रीन के इतने फंदे बचे हुए हैं ठीक है थीके? और यहाँ तक का हो गया इतने फंदे जो है यहाँ तक हमने येलो तक छोड़ दिए इतने दो दो करके और अब यहाँ पे ग्रीन का भी जो है दो रो हो चुका है तो अब यहाँ पर हम फिर से जो है अपना येलो कलर लगाएंगे ठीक है ये देखिए हमने येलो कलर को लगाया अपना और ये देखिए अब जो जितने फंदे हैं इनको सबको हम बना लेंगे और यहाँ पे फिर से हमने दो फंदा ये ग्रीन का छोड़ दिया और फिर से यहाँ पर हो जाएंगे हम बैक और इधर से सीधे साइड से तो मैंने पहले ही बताया कि जो जैसे है वैसे ही बनाना है इसको तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पेज पे भी अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज पे भी मेरी आईडी बनी हुई है वहाँ भी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग वगैरह सब कुछ डालती हूँ तो एक बार आप लोग जाइएगा वहाँ पे मेरा जो चैनल का नाम है पेज का नाम है वो है सिंह फैमिली तो आप जाकर के वहाँ भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा ठीक है तो ये देखिए येलो की भी हम यहाँ पे दो रो बना लेते हैं ये देखिए हमने फिर से ये दो फंदा छोड़ा और अब देखिए तो इसमें फंदे जो है बिल्कुल पूरा लास्ट तक छोड़ना ही है फंदा आपको दो दो करके ठीक है और यहाँ पे दो रो जो है देखिए कंप्लीट हो गई ये देखिए येलो की जो है दो रो कंप्लीट हो गई तो अब हम फिर से यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे अपना तो ये देखिए एक दो तीन चार चार फंदे में बना लिए दो फिर से हमने छोड़ दिए और फिर यहाँ से वापस हो जाएंगे चार फंदों को हम बना लेंगे जो जैसे है इसको सीधा बनाएंगे ठीक है इधर आ गए और अब हम फिर से दो फंदे जो है छोड़ेंगे एक इसको बनाया उतारा इसको बना लिया दो फंदे ग्रीन के हमने छोड़ देना है फिर से हम इधर से वापस हो जाएंगे इधर जो जैसे है उसको हम वैसे ही बना लेंगे ये इधर ठीक है तो अब देखिए अब क्या करना है हमारे सारे फंदे जो है देखिए छूट चुके हैं तो अब हमें फिर से अपना फंदा लेना है वापस ठीक है तो सारे फंदे जैसे कि हमने छोड़े हैं अब ऐसे करके हमें दो दो फंदे अपने वापस लेने हैं यहाँ से देखिए अब क्या करना है यहाँ तक देखिए हमने छोड़ दिया दो फंदा हमारे पास बचा हुआ है ठीक तो अभी जो टर्न है वो ग्रीन की ही रखेंगे क्योंकि एक रो कम्प्लीट हुई इधर से और ये देखिए अब एक इसको किया और इसको बना लिया और ये जो दो फंदे ग्रीन के छोड़े थे इनको भी बना लेंगे ये देखिए एक दो ये कम बना लिया इधर से हो जाएंगे वापस ठीक है तो यहाँ पे ये हमारा जो है दो रो भी कंप्लीट हो गया और ग्रीन का ये हमारा बन चुका है इसको करेंगे पीछे इधर से इसको उतार लेंगे तो ये देखिए ये एक दो दो रो यहाँ पे भी हो गई हमारी ठीक है अब देखिए अब क्या करना है अब ग्रीन का हो गया फंदा अब येल्लो की बारी है क्योंकि यहाँ पे जो फंदा है उतारना है हमें येल्लो ठीक है अब येल्लो फंदा जो येलो का है येल्लो से ही उतारेंगे और ग्रीन का फंदा ग्रीन से ही उतारेंगे ठीक है तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना येलो कलर ये देखिए एक दो तीन और एक ये चार ये हमने बना लिया उसके बाद अब हमें येलो को फंदा उतारना है तो उतारने से पहले गैप बहुत ज़्यादा है तो इस गैप को हम येलो फंदा नहीं उठाएंगे यहाँ पे हम ग्रीन कलर का जो फंदा है ना ये वाला उठाएंगे और यहाँ पे ग्रीन और येलो को मिक्स करके ये हम इसका दो का एक करेंगे और ये वाला फंदा एक जो छोटा है इसको उतार लेंगे ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर हमारा उतर चुका यहाँ पे जब फैला फंदा हम कलर चेंज करके उतारेंगे तब ठीक है तो हमें जो कलर दूसरा रहेगा उसको उठाएंगे हम सेम कलर को नहीं उठाएंगे और क्यों उठाएंगे ये भी अभी मैं आपको आगे बताती हूँ ये देखिए अब फिर से दो रो बनाना है हमें और येलो का फंदा उतारना है ये देखिए ये हो गया और अब यहाँ पे कोई ग्रीन नहीं है येलो ही है तो हम येलो का फंदा उठा लेंगे यहाँ से एक फंदा ये उठाएंगे और जो दो उतारना है वो उसी में से दो का एक कर देंगे के ये दो को कर दिया और एक ये उतार लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे येलो के जो फंदे हैं उतर गए है सारे चार फंदे थे चारों उतार लिया हमने और यहाँ पे फिर जो जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे इसको पीछे करके सीधा ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे येलो का हमारा बन चुका है ये देखिए येलो बन गया अब हम लगाएंगे ग्रीन और यहाँ पे क्या है ग्रीन का फंदा भी उतारना है और यहाँ पे ये येलो का दो रो भी कंप्लीट हो गया तो अब यहाँ से हम ग्रीन अपना लगा लेंगे ये देखिए तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स अब तो बिल्कुल ही ईजी है आपको जो जिस कलर से उसी कलर से बनाते जाना उतारते जाना फंदों को ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ग्रीन बनाया तो अब हमें क्या करना है ग्रीन है तो हम येलो का फंदा उठाएंगे यहाँ पे ठीक है येलो वाला फंदा उठाएंगे हम स्टार्टिंग में जब हम कलर को चेंज करके उठाएंगे तो ये देखिए ये दो फंदा भी हमने बना लिया और ये यहां से आ गया तो ये उतारने का राज क्या है ये अभी मैं आपको बता देती हूँ और बाकी ये बहुत ही सिंपल सा है कुछ नहीं करना बस आपको दो दो फंदा जो छोड़ा है आपने बस उसको उतारते जाना है अब इसको सीधा बना लिया तो ये देखिए फ्रेंड जो हम येलो को जब हम ग्रीन बना रहे थे तो येलो फंदा क्यों उठा रहे हैं इसका ये है यहाँ पे देखिए कोना बन के आ रहा है ना अच्छा सा एकदम फिनिशिंग के साथ ये कोना बन के आ रहा है अगर आप ग्रीन को अगर आप ये ना उठाएंगे अलग कलर का उठा रहे हैं इसलिए ऐसा रहा अगर सेम कलर का उठा लेंगे ना तो यहाँ पे स्क्वायर जैसा बना हुआ जाएगा अच्छा नहीं लगेगा ये देखिए मैं आपको पूरा बना हुआ दिखाती हूँ ये देखिए बिल्कुल ये निकला हुआ है ना कोना कोना करके निकला हुआ है तो इससे बहुत ही सुंदर सफाई भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है देखने में है ना तो ऐसे ही करके पूरा हमें बनाना है और डिजाइन को कंप्लीट करना है तो ऐसे ही दो दो रो होता जाएगा और यहाँ पे हम फंदों को उतारते हुए बनाते जाएंगे पूरा तो चलिए मैं लास्ट तक बना लेती हूं यहां तक आती हूं येलो को उतारना होगा फिर मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे करना बाकी सेम वैसे ही करना है जैसा अभी मैंने आपको बताया ग्रीन लगाया फिर से हम ग्रीन फंदा वो, हट अपना उतार लेंगे फिर येलो लगा लेंगे ठीक है ऐसे करके बनाना है तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको फिर आपको दिखाती हूँ जब मैं लास्ट में आती हूँ फिर तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहां तक बना लिया इसको और अभी हमारे पास जो है चार फंदे बचे हुए हैं है ना और ये देखिए दो दो करके यहाँ पे मैंने सारे फंदों को उतारते हुए इतना कंप्लीट कर लिया और भी चार फंदे बचे हैं उतारना चलिए अभी देखिए कैसे करना है तो अभी बिल्कुल इसको उतारना है जैसे हम सारे फंदों को उतारे थे वैसे ही करना है तो यहाँ पे हम येलो उनसे ही उतार लेंगे सेम वैसे ही है कुछ अलग सा अभी नहीं करना है अब इसके बाद मैं बताऊंगी आपको फिर क्या करना है क्योंकि यहाँ पे अब हमें ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम ब्लैक कलर का जो ऊन है उसको दिखाएंगे कि कैसे करना है ठीक है यहाँ पे भी हम इन दोनों फंदों को ऐसे ही उतारेंगे चारों फंदों को जैसे कि अभी तक हमने उतारा है सारे फंदों को और यहाँ पे हमारी पांच कली जो है वो बनने वाली है और ये छः कली हम कम्प्लीट होगी आप छः सात अगर जैसा हाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है किसी का हाथ टाइट चलता है ढीला चलता है ना ऐसे करके चलता है तो ये देखिए ये हो गया और बाकी अब हम इसमें से उतारेंगे दो फंदा तो हमने आपको बताया था कि जब हम पहले उतारेंगे तो यहाँ से ग्रीन फंदा उठाएंगे है ना और दो का एक कर देंगे और ये देखिए अब दो फंदे और बचे हुए इधर से हम वापस हो जाएंगे तो यहाँ से जो जैसे है उसको वैसे ही पूरा ऊपर तक बना लेंगे तो इधर कुछ भी नहीं करना जो जिस कलर से है और जैसे बना है वैसे ही बना लेना है तो चलिए यहाँ तक बना लेते हैं ऊपर तक तो ये देखिए हमने बना लिया पूरा यहाँ तक ऊपर और फिर आ जाते हैं हम इस साइड और इधर साइड से भी फिर जो जैसे है वैसे करते हुए ये फंदा भी जो है हम इसको उतारेंगे ठीक है तो अब हमारे पास लास्ट का जो है दो फंदा बचा हुआ उतारना बाकी इधर से जो जैसे है उसको वैसे ही बना लेंगे तो अब यहाँ पे हमारे जो बत्तीस फंदे हैं वो टोटल बत्तीस फंदे हमारे अब उतर जाएंगे और इस वाली सिलाई में आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दो फंदे हैं इनको भी हम उतार लेते हैं तो इनको उतारने के लिए पहले गैप को भरना बहुत ज़रूरी है तो एक फंदा इसमें से लेते हैं और एक फंदा इसको बना लेते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे हमारे जो फंदे हैं वो बन चुके हैं ये देखिए पूरे बन गए येलो कलर से और यहाँ से ऊपर तक पूरा हम फिर से बना लेंगे लेकिन इस सारे फंदे को हम यहाँ से उतार लेंगे नहीं तो होल बहुत बड़ी हो जाएगी इधर वाली ठीक है इसको उतारने के बाद पूरा हम ऊपर तक सीधी साइड से कुछ नहीं करना पूरा यहाँ तक हम बना लेते हैं इसको तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इधर सीधी साइड से पूरा हमने यहाँ तक बना लिया इसको और यहाँ पे हमारा एक दो दो रो भी ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये जो कली है हमारी ये भी देखिए आप यहाँ यहाँ से ब्लैक लगा था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पूरी कंप्लीट हो गई ये एक कली हमारी हो गई ठीक है और अब देखिए अब क्या करना है तो जब ये पूरा हमने दो दो करके सारे फंदों को उतार लिया है यहाँ से तो अब यहाँ से हमें जो है अपना ब्लैक कलर लगाना है ठीक है और यहाँ पे देखिए पूरा फंदा उतरने के बाद दो रो यहाँ पे दिख रहा है आपको येलो का ना अब यहाँ उल्टी साइड से अब हम फिर से अपना जो ब्लैक कलर है ये वाला इसको हम लगाएंगे और इतना लंबा ऊन हो रहा है इसे कोई दिक्कत नहीं लास्ट में आप यहाँ से जहाँ से हमने टच किया यहाँ पर दोनों को कट कर करके नॉट लगा देंगे ठीक है तो ये यह देखिए यहाँ से हम ब्लैक लगा देंगे अपना तो अब जो फंदे हैं सारे सबको हमें ब्लैक से बनाना है ठीक है टोटल बत्तीस फंदे जो हमारे हैं वो ब्लैक से बनेंगे ये पूरे जितने हैं पूरे बत्तीस फंदे हम ब्लैक से बना देंगे पूरा नीचे तक बनाना है हमें लास्ट तक तो चलिए यहाँ तक पूरा नीचे तक बना लेते हैं पहले यहाँ तो देखिए हमने यहाँ तक पूरा इसको बना लिया ये वाला फंदा भी हम बना लेंगे ठीक है अब यहाँ से देखिए पूरा बन चुका हमारा ये फंदा और अब हमें क्या करना है अब हम जैसे यहाँ नीचे तक पूरा यहाँ तक बनाया यहीं से हम पूरा बनाते हुए उल्टा उल्टा यहाँ ऊपर तक आएंगे ठीक है और ऐसे करते हुए हमें फिर से दो रो कंप्लीट करना है यानी चार सिलाई हमें ब्लैक की बनानी है जिससे कि हमारी ये वाली पट्टी आएगी ब्लैक वाली ठीक है जैसे हम बनाते थे वैसे ही सेम यहाँ पे कोई फंदा छोड़ना नहीं है ना तो घटाना है कुछ भी नहीं करना है बस जैसे हम बनाएंगे वैसे ही चार रो मतलब चार सिलाई बनाएंगे और दो रो कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे ठीक है तो चलिए ऐसे ही करके दो रो और भी बना लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे जो है ये फंदा हम इसको उतार लेंगे बार बार नहीं बनाएंगे नहीं तो होल बड़ा होगा मैं आपको बार बार बताती हूँ ये चीज़ ठीक है तो यहाँ से हम फंदों को उतार लेंगे और ऐसे करते हुए हम चार सिलाई हमें यहाँ पे बनानी है यानी एक सिलाई हमने बना ली है दो सिलाई दो सिलाई अभी हमें और बनानी है तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने ब्लैक की भी दो रो कंप्लीट कर ली यहाँ पे है ना और ये देखिए हमारी ये सीधी साइड है और ये रही हमारी उल्टी साइड तो अब बिल्कुल वैसे ही सेम हमें बनाना है जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो फिर से हमें यहाँ पे लगाना है अपना येलो कलर क्योंकि ब्लैक के साइड बगल में ये येलो है येलो पे हमने ख़त्म किया था तो इस साइड पे येलो ही होगा तो फिर से हम इस साइड जो है येलो कलर लगाएंगे अपना यहाँ ये देखिए यहाँ पे येलो लगाएंगे और यहाँ से जो फंदे हमारे बत्तीस फंदे हैं सारे फंदों को हमें येलो कलर से ही बना लेना है है ना पहली बार जब हम येलो लगाएंगे ब्लैक में तो पूरा यहाँ तक बनाएंगे लास्ट तक ठीक है कोई फंदा छोड़ेंगे नहीं इसमें ठीक है जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेम वही करना है तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन ये पूरी कंप्लीट हो गई और ये पूरे छः कली जो हमारे हैं ये बन चुके हैं ये देखिए ये यहाँ से ये ऐसे अटैच होगा तो यहाँ पे जो अभी एक्स्ट्रा यहाँ पे धागा है ये ऊन ये ब्लैक वाला इनको हम कट कर करके यहाँ पे अटैच कर देंगे मीन्स नॉट लगा देंगे क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना खींचता है इसलिए यहाँ पे हम इन दोनों को लेकर के ऐसे गांठ लगा देंगे काट करके ये देखिए गांठ अच्छे से लगाइएगा जैसे कि खुले ना थोड़ा टाइट लगाइएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से काट देंगे तो इससे क्या है ये खींचेगा नहीं ठीक है और बाकी यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट भी हो चुका तो यहाँ पे देखिए क्या है मैं यहाँ पे बता दूँ पहले आपको तो यहाँ पे देखिए हमने सारे फंदे जो यहाँ से दो दो जो हमने छोड़े थे सारे दो दो फंदे उतार लिए और यहाँ पे दो रो जो है येलो का बन भी गया उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था यहाँ से फिर अब हम ब्लैक लगा लेते हैं ना जब एक कली हमारी कंप्लीट होती है तो ये ब्लैक लगाते हैं लेकिन जब हम लास्ट बनाएंगे छठवीं कली बनाएंगे उसमें ब्लैक यहाँ लास्ट में नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ब्लैक बॉर्ड इसी से स्टार्ट किया था है ना तो अब यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे वरना ब्लैक जो है बहुत ही चौड़ा हो जाएगा तो ये वाला जो ब्लैक है ये इसी के साथ अटैच हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से इसके जो डिज़ाइन है वो भी बन जाएगी है ना ये यहाँ से ये देखिए अब हमें ब्लैक नहीं लगाना और अब जो है फंदे को घटाना है यहाँ से जब पूरा बन जाएगा उसके बाद ठीक है तो अब ये हमारा बन चुका तो यहाँ अब हम फंदे को घटा देंगे ब्लैक नहीं लगाएंगे अब हम और यहाँ पे जैसे फंदे घटाते हैं सॉरी लाइट भी चली गई तो यहाँ पे दो का कर एक करते हुए फंदों को हम घटा देंगे सारे फंदों को ठीक है तो चलिए फंदों को घटा देते हैं ऐसे करते हुए तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जो है डोरमेट कंप्लीट हो चुका और यहाँ से इसको मैंने ऐसे घटा दिया ये देखिए दो कई करते हुए मैंने सारा घटा दिया और लास्ट में मैंने ये इतना सा ऊन रखा है ये देखिए उसको सिलाई के लिए तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा ये देखिए और ये छः कलियों में काफ़ी ही खूबसूरत सा बना है और पूरा कम्प्लीट भी है तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी और ये डोरमेट की डिज़ाइन कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए